डिज़ाइन बनाते हुए हमें इंस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है, और ये जो इंस्पिरेशन होती है जिसकी मदद से हम डिज़ाइंस और आइडियाज़ जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएटिविटी को अपने अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं, ये हमें कहाँ से मिल सकती है? इसके लिए बेस्ट सोर्स वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स या आर्ट डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर ग्राफिक डिज़ाइन में बहुत नाम पैदा किया और बहुत ज़्यादा सारा काम किया। ये लेसन और आने वाले एक दो और लेसन के अंदर मैं आप लोगों को ऐसे ही कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर्स और फेमस आर्ट डायरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा और उनका काम भी दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को इंस्पिरेशन मिल सके और आप लोगों को समझ आ सके कि हिस्ट्री के अंदर कौन से बड़े ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं और उन्होंने किस तरह का काम जो है वो कर रखा है। इसी को फॉलो करते हुए, इनके स्टाइल को फॉलो करते हुए, हम लोग अपने डिज़ाइंस के अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी लेके आ सकते हैं और बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं वो इंजेक्ट कर सकते हैं। तो चलें, इस लेसन में मैं आप लोगों को जिस ग्राफिक डिज़ाइनर के बारे में बताने वाला हूँ, उसका नाम है पॉल रैंड। दोस्तों, पॉल रैंड जो है, ये इसको फादर ऑफ मॉडर्न ग्राफिक डिज़ाइन का नाम दिया गया है। इसके अलावा इसको मॉडर्निस्ट मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों अलकाबात से आपको ये अंदाज़ा तो हो गया होगा कि पॉल रैंड जो है वो 20th सेंचुरी का एक बहुत ही बड़ा नामवर ग्राफिक डिज़ाइनर है और इसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से बहुत ही ज़्यादा हैं। पॉल रैंड ने आर्ट और डिज़ाइन का सफ़र उस वक्त शुरू किया था जब वो अपने फादर की ग्रॉसरी स्टोर के लिए बचपन में ही छोटे छोटे साइंस और सिंबल्स जो है वो क्रिएट करना शुरू हो गया था, और इसी तरह से चलते चलते उसका आर्ट एंड डिज़ाइन में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। जैसे जैसे उसका इंटरेस्ट बढ़ा, उसने कुछ इंस्टीट्यूशन से शाम के वक्त में डिज़ाइन के हवाले से कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस और क्लासेस लेनी शुरू कर दी, कुछ ट्रेनिंग्स लेनी शुरू कर दी। ये सिलसिला उसका बढ़ता चला गया और आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त आया कि वो जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुका था और साथ में उसने जॉब्स करनी शुरू कर दी थी पार्ट टाइम डिफरेंट एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और अखबारात और मैगजीन्स वगैरह के साथ। दोस्तों, पॉल रैंड एक वो ग्राफिक डिज़ाइनर रहा है जिसको अमेरिका के अंदर, क्योंकि इसका ताल्लुक अमेरिका से था, इसको अमेरिका के अंदर बड़े बड़े मैगजीन्स और बड़ी बड़ी जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज थी वो इसको ऑफ़र किया करती थी काम करने के लिहाज से, इसके टैलेंट की वजह से। इसकी जो काम के लिहाज से ख़ास बात है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो है लोगो एंड कॉरपोरेट आइडेंटिटी का डिज़ाइन। दोस्तों, लोगो और कॉरपोरेट आइडेंटिटी को डिज़ाइन करने में पॉल रैंड जो है इसको एक बिल्कुल जो है वो पाइनियर की हैसियत जो है वो ग्राफिक डिज़ाइन में हासिल है। बहुत फेमस लोगोज़ जैसे कि आपने देखे होंगे, IBM का लोगो आपने देखा होगा, ये UPS का लोगो, एक अमेरिका की बहुत बड़ी पैकेजिंग फर्म है, पैकेजिंग एंड सप्लाई चेन के हवाले से ये काम करते हैं, इनका लोगो। इसके अलावा नेक्स्ट कंप्यूटर्स का ये एक आइकॉनिक लोगो, और इसी तरह से ये ABC न्यूज़ का लोगो, ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा येल यूनिवर्सिटी का लोगो। तो इस तरह के बहुत बड़े बड़े लोगोज़ जो हैं वो बहुत बड़ी फर्म्स के और इंडस्ट्री के जाइंट्स के लोगोज़ पॉल रैंड ने डिज़ाइन किए, और यही लोगोज़ आगे चल के पॉल रैंड की बहुत बड़ी जो है वो फेम की जो है वो वजह बनी। अच्छा जी, पॉल रैंड के काम की जो एक बहुत ही ख़ास बात है वो है इसके काम की सिंप्लिसिटी। जैसे कि ये जो लोगोज़ अभी जो मैंने आपको दिखाए हैं, आपने इनमें नोट किया होगा कि कॉम्प्लेक्स इमेज या कॉम्प्लेक्स टाइपोग्राफी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की हुई। ये अपने काम के अंदर इंतहाई सिंपल टाइप्स और इंतहाई सिंप्लिसिटी के साथ जो है वो शेप्स को क्रिएट करके डिज़ाइंस बनाया करता था, और यही वजह थी कि इसके डिज़ाइंस जो हैं उन्होंने एक ख़ास एरा के अंदर एक बहुत ज़्यादा मकबूलियत जो है वो हासिल की। दोस्तों, 1930s में अप्रैल आर्ट्स के नाम से एक बहुत फेमस जो मैगज़ीन है जिसको आज के दौर में हम GQ मैगज़ीन के नाम से जानते हैं, इसने पॉल रैंड को हायर किया अपने कवर डिज़ाइंस बनाने के लिए और जो है वो टाइटल्स वगैरह बनाने के लिए। इसके साथ ही अप्रैल के बाद स्क्वायर मैगज़ीन जो है ये भी एक बहुत ही फेमस मैगज़ीन है, इसके साथ भी पॉल रैंड की वाबस्तगी रही टाइटल और इनर पेजेस डिज़ाइन करने के हवाले से, मैगज़ीन डिज़ाइन के हवाले से। इसके अलावा मैं आपको डिफरेंट फर्म्स और डिफरेंट कंपनीज के लोगोज़ जो हैं वो दिखा चुका हूँ जो कि अपने करियर के अंदर पॉल रैंड ने जो है वो डिज़ाइन किए। अच्छा, पॉल रैंड की वैसे तो खासियत लोगो और कॉरपोरेट आइडेंटिटी थी, लेकिन एडवर्टिजमेंट और कवर डिज़ाइन के हवाले से भी पॉल रैंड जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस रहा।
आप देख सकते हैं ये अप्रैल आर्ट्स मैगजीन का एक बहुत ही खूबसूरत कवर है जो कि डिज़ाइन किया हुआ है पॉल रैंड ने, और इसमें आप देख सकते हैं कितने सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसने इलस्ट्रेशन को बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया हुआ है। और एक और ख़ास बात जो पॉल रैंड के काम की थी वो थी इसकी बहुत ही इफ़ेक्टिव टाइपोग्राफी। पॉल रैंड को ग्राफिक डिज़ाइन की हिस्ट्री में टाइपोग्राफी के मास्टर के तौर पर जाना जाता है। ये टाइप्स को, फॉन्ट्स को बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से अपने डिज़ाइंस में इस्तेमाल करने के लिए शुरू से ही फेमस रहा है। ये एक और आपको एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन दिखा रहा हूँ पॉल रैंड का, ये भी अगर आप गौर से देखें तो इसमें भी आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बहुत ही एलिगेंस के साथ जो है वो डिज़ाइन को बनाया गया है। तो पॉल रैंड जो है इसके डिज़ाइंस में सिंप्लिसिटी जो है वो इसका एक खासा रही, और इसी तरह आज के दौर में भी जब भी कोई सिंप्लिसिटी के ऊपर बेस करके डिज़ाइन बनाया जाता है तो पॉल रैंड का जो एक पूरा काम है, उसका जो पोर्टफोलियो है, उसको जो है वो कंसल्ट किया जाता है और उसको जो है वो एज अ बेंचमार्क आज भी तसव्वुर किया जाता है सिंप्लिसिटी के साथ ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर काम करते हुए। पॉल रैंड ने कुछ किताबें भी लिखी ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से, इसमें से एक किताब जो है वो पॉल रैंड की ऐसी है जिसको कि ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, और इसका नाम है थॉट्स ऑन डिज़ाइन। ये बहुत ही फेमस बुक है डिज़ाइन के हवाले से, स्पेसिफिकली ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से, और इसको जो है वो पॉल रैंड ने मुरतब किया। इसके अलावा और भी कुछ किताबें जो हैं वो पॉल रैंड ने लिखी। पॉल रैंड अपनी एक कोटेशन के अंदर कहता है एवरीथिंग इज़ डिज़ाइन एवरीथिंग। इसके अलावा एक और कोटेशन है पॉल रैंड की जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, उसमें पॉल रैंड ने जो है डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरती से कुछ इस तरह से जो है वो बयान किया है कि डिज़ाइन इज़ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्म एंड कॉन्टेंट। यानी कि फॉर्म और कॉन्टेंट को आपस में रिलेट करके ही हम एक अच्छा मैसेज जो है वो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर कन्वे कर सकते हैं और अच्छे डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। तो आई होप कि ये जो पॉल रैंड के हवाले से मैंने आपको काफ़ी सारी बातें बताई ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी, और आगे चल के आप जब काम करेंगे तो पॉल रैंड और इसके जैसे दूसरे जो बड़े ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं इनके काम को लेके आप इंस्पिरेशन हासिल कर सकेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में इसी तरह किसी और ग्राफिक डिज़ाइनर के हवाले से बात करूँगा।